तरीके से हंगामे के बाद बैरिकेटिंग लगी थी और एक एम्बुलेंस जो है वो फंस गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि चार मरीज हैं। और देखिए कि किस तरीके से इस एम्बुलेंस को यहाँ पर रोका गया था और बीजेपी के कुछ नेताओं ने मिलकर के इस बैरिकेटिंग को खुलवाई है और उसके बाद इस एम्बुलेंस को जो है वो आगे ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये बिहार के लोग यहीं मर जाए, एम्बुलेंस का रास्ता घायल कार्यकर्ताओं को एम्बुलेंस का रास्ता नहीं दे रही है। इसमें मरीज कौन है? जनार्दन सिंह सिकरीवाल सांसद है हमारे। देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं, ये तस्वीर देखिए जो बीजेपी के नेता हैं वो इसमें मौजूद हैं और ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो नेता हैं वो घायल हुए थे। और ये तस्वीर देखिए क्या हुआ है इनको, क्या चोट लगा है, क्या सैकड़ों लाठी मारा गया है इनको, सैकड़ों लाठी मारा गया है सिर पे, जान मारने की कोशिश से लाठी चलाया जा रहा है। जो है उनके सर में चोट लगी है और इनको कहां ले जाया जा रहा है फिलहाल? पुलिस प्रशासन कहां ले जाए, हम लोग तो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इनको भी लाठियां लगी है। भाजपा के सांसद हैं और उन वो भी चोटिल हो गए हैं और उनको किस तरीके से स्ट्रेचर पर लिटा कर ले जाया जा रहा है, उनके सर में चोट आई है, कौन से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं नहीं पता, प्रशासन जहां ले जाए। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के सांसद हैं, महाराजगंज के सांसद हैं, उनको चोटें आई थी और उनको इस एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और काफी देर तक जो है वो उनको जो है वहीं पे रोक दिया गया था डाक बंगला चौराहे के पास ही। और ऐसे में ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे थे, हम उस एम्बुलेंस में चढ़ गए और उस एम्बुलेंस में महाराजगंज के सांसद जो कि घायल पड़े थे और उनके सर में चोट आई थी, सर पे बैंडेज लगा था और उन्हें अब अस्पताल ले जाया जा रहा है। तस्वीर देखें किस तरीके से एम्बुलेंस से उन्हें ये पारस हॉस्पिटल का एम्बुलेंस दिख रहा है जहां पर महाराजगंज के बीजेपी सांसद को हॉस्पिटल जो है वो ले जाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान उनके भी सर में चोट आई थी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।